सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों जो है आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वीवो का जो स्मार्टफोन है उसमें हमें दो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ पर एक OTG का एंड यहाँ पर दूसरा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का, कि OTG हम लगाते हैं वो यहाँ से हमें जो है कैसे ऑन करना पड़ता है, और दूसरा ये कि आप जो है अपने स्क्रीन रिकॉर्डर का जो है माइक को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जो है सिंपल से वे हैं। तो मेरी कोशिश थी कि दोस्तों मेरे माइंड में भी शुरू में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं खुद जो है वीवो यूज़र हूँ, तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है मुझे भी फेस करने पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं OTG के बारे में। तो दोस्तों, जब आप OTG को कनेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन शो हो जाएगा OTG। यहाँ से आपने जो है इसको ऑन करना है OTG, और आप जो है अपनी USB आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप OTG को ऑन करने के बाद आप जब भी USB लगाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके बाद दोस्तों जो है हम जाते हैं, हाँ यहाँ पर दोस्तों आपने एस कैप्चर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिकॉर्ड वॉइस को जो है ऑन कर देना है। मेरे पास जो है ऑफ था और मैंने यहाँ पर जो है इसको ऑन कर दिया है। तो इसको ऑन करने के बाद आपकी जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी, हो जाएगी, जैसा कि मैं अभी अपनी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यही दोस्तों छोटी सी चीज़ थी, मेरी कोशिश थी कि इसकी वीडियो आप तक बना के पहुँचाई जाए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।